हेलो दोस्तों दोस्तों आज से हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1। इसमें कह रहा है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन होता हमेशा याद रखना। ये देखो, अगर किसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन जीरो है किसी पार्टिकल का, तो बिना देखे न्यूटन का फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। क्या बोलते हो? देखो, एफ नेट इक्वल्स होता है मास गुणा एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन जीरो है, अगर ये टर्म जीरो है, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ए ड्रॉप ऑफ, इसका नेट फोर्स निकालना, ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रहा हो, ठीक है, या स्टेशनरी हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है? जीरो है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या देखना, बिना देखी नेट फोर्स इक्वल टू हो गया जीरो। क्लियर? ठीक है, सेकेंड में, एक कोर को मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, फ्लोटिंग जैसे मान लो कोर है और वो फ्लोटिंग वाटर में फ्लोट कर रहा है, फ्लोट मतलब तो तैर रहा है। ठीक है, ऐसे मूविंग नहीं कर रहा, जैसे देखो, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, और इसमें ऐसे ये कोर हाफ वो डूबा हुआ है, ठीक है ना, तो ये फ्लोटिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नेट फोर्स, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो हो गया, तो नेट फोर्स क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ में? ठीक है, देखना नहीं। थर्ड क्या है, एक काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, स्टेशनरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। ए हाई स्पीड बोल रहा है, हाई स्पीड बोल रहा है, एक्सेलरेशन थोड़ी बोल रहा है। स्पीड कितनी भी जाओ हाई स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ी हो रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। समझ में आया? यह सारों में नेट फोर्स क्या है? जीरो। अब उसका कारण भी समझ लो कि कैसे है, इनमें नेट फोर्स जीरो कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो फर्स्ट कह रहा है ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड। जैसे देखो ये क्या होता है, जैसे ये कोई ड्रॉप है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट स्पीड से डाउन कर रही है, फॉलिंग डाउन कर रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर देखो, अब इस ड्रॉप के बारे में बताता हूं, अगर ये कॉन्स्टेंट स्पीड से मूविंग कर रही है, डाउन हो रही है, ठीक है, तो आप बताओ इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं? नेट फोर्स तो वैसे कम फ्रम है, जीरो है, क्योंकि कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है ना। ठीक है, अब नेट फोर्स कैसे जीरो है? देखो इस पे पहला फोर्स लगेगा ग्रेविटी वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, एफ जी। ठीक है, और दूसरा फोर्स लगेगा इस पे विस्कस फोर्स। समझ में है ना? ये विस्कस फोर्स होता क्या है, जैसे कोई फ्लूड होता है ना, जैसे ये फ्लूड होता है, यहां पर एयर के पार्टिकल्स है, ठीक है, तो यहां पे ये क्या करेगा, फ्लूइड से जैसे रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है, तो इसके कारण एक विस्कस फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब ये अगर दोनों एफ वी इक्वल टू एफ जी होगा, तो दोनों बराबर हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो हो गया ना। बोलो, समझ में आया? ठीक है, और इसमें एक अप थ्रस्ट भी लगेगा, जैसे एयर के, जैसे ये ड्रॉप डाउन करेंगे ना, तो ऊपर की तरफ भी एयर के पार्टिकल्स है ना, वो लगाएंगे इसके अप थ्रस्ट। ठीक है, तो नेट फोर्स वैसे टोटल जीरो आ रहा है ना, तभी तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होता, तो इसमें एक्सेलरेशन होता। क्लियर? ठीक है, दूसरा कह रहा है कोर के और मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन ए वाटर। ठीक है, जैसे ये फ्लोटिंग कर रही है, ये फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है, तो इस पे एक बोयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। समझ में? और इसका जी वो ग्रेविटी एमजी किधर लगेगा? नीचे तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दोनों बराबर हैं, तभी ये क्या है, फ्लोटिंग कर रहा है। समझ में?
ठीक है, ये होता है, देखो इसको याद करते हो ना तो ऐसे ही याद होता है, वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब जो बोयंसी फोर्स होता है ना वो इक्वल होता है इसके वेट ऑफ द बॉडी, मतलब mg के बराबर होगा तब ये फ्लोटिंग कर रहा है, ठीक है। एक काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, इस पे भी देखो अगर स्टेशनरी है तो एक्सेलरेशन जीरो और नेट फोर्स जीरो। अब उसका कारण देखो, जैसे काइट का क्या बताऊं, देखो जैसे मान लो ये काइट है, ठीक है, तो आप इसकी डोर भी होगी इसकी, ठीक है, डोर तो इधर की तरफ टेंशन लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन सम हाउ इसमें क्या है, जैसे एयर ऐसे इधर इधर की तरफ वो फ्लो कर रही है ना, तो इसमें क्या करेगा, मतलब टेंशन इधर लगेगा और आप ये हवा के कारण एक कोई फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तभी तो नेट फोर्स जीरो होने के कारण पे स्टेशनरी है। क्लियर। कार मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन ए रफ रोड, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, देखो ये रफ रोड है, ठीक है, रफ रोड में तो फ्रैक्शनल फोर्स नीचे इधर की साइड में लगेगा और कार का जो केमिकल एनर्जी के कारण फोर्स इधर लग रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब जो फोर्स ये लगा रहा है, ये कार लगा रही है ना, उतना ही फ्रैक्शनल फोर्स है, मतलब नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार फ्रॉम ऑल मैटर, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाई स्पीड है, एक्सेलरेटिंग नहीं कर रहा, समझ में है, तो इसमें भी एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स, तो सब में नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो आएगा।